खबर बलिया जनपद से है, जहां रसा विकास खंड क्षेत्र के प्रधानपुर गांव में ग्रामीणों ने किया कोटीदार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन और रसा प्रधान पूर्व मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रसा कोतवाली पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों से बातचीत कर जाम को छुड़वाया। वहीं इस पूरे विषय पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने कोटीदार पर आरोप लगाया कि पिछले दो महीने से अंगूठा लगवा कर भी कोटीदार राशन नहीं दे रहा, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर की मिलीभगत है। उसके पहले भी लोगों द्वारा इसकी शिकायत की गई थी कि कोटीदार द्वारा 30 किलो राशन में 2 से 3 किलो अनाज कम दिया जाता है। इस विषय में जब कोटीदार से बात की गई तो उसने आरोप को झूठा बताते हुए इस पूरे मामले को झगड़े से जोड़कर बताया, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, यह कोटीदार की साजिश है। अब देखना है कि कोटीदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है या ग्रामीणों के राशन को ऐसे ही लूटते रहेंगे कोटीदार। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9, मैं हूं आपके साथ उमाकांत विश्वकर्मा। हम इस समय खड़े हैं रसा विकास खंड क्षेत्र के प्रधानपुर गांव में, कोटीदार के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं। इतनी काफी भीड़ है, आप भी सोच रहे हैं कि इतनी भीड़ क्यों है। दरअसल मामला है कि कोटे की दुकान को लेकर लोगों ने आरोप लगाया कि कोटेदार द्वारा सही ढंग से राशन नहीं दिया जाता है, प्रति व्यक्ति कुछ यूनिट काट दिया जाता है, जैसे कि 4 किलो राशन 30 केजी में काट लिया जाता है। उसमें हमने कोटेदार से बात की तो कोटेदार ने उस पूरे मामले का रुख झगड़े में तब्दील करके बताया। इसी सिलसिले में हम यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे। आइए, क्या मामला है, पूरी सच्चाई। अपना नाम बताएं। बब्बन राम। क्या मामला है यहाँ पे, कितनी भीड़ लगी है? राशन को लेकर भीड़ लगी है। कोटेदार साहब का कहना है कि लड़के से झगड़ा वगड़ा हो गया, इस विरोध में आप लोगों ने इतना प्रदर्शन किया। झगड़ा तो हमने नहीं देखा, झगड़ा हुआ है नहीं। इसका मतलब कोटेदार साहब जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? झूठ है। मेरा नाम भीमनाथ यादव है। समस्या क्या है, क्यों आप आज? हम इसलिए कहते हैं कि हमारे गांव का कोटेदार कर महीने में राशन नहीं देता, इस महीने का राशन उस महीने में देता है। मैंने लखनऊ भी अपने फोन से उनको सूचना दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने महीने का राशन आप लोगों को नहीं मिला? 2 महीने का। 2 महीने का अंगूठा लगा लेते हैं लेकिन देता नहीं है। क्यों लगाते हैं जब राशन नहीं मिलता? कहता है कि दे देंगे लेकिन देता नहीं है। समय आपको पर्ची मिलती है? नहीं, पर्ची नहीं मिलती है। ठीक है, बताए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भैया राम जन्म यादव, सनब विक्रमा यादव, तहसील रसना, जिला बलिया का निवासी हूँ। किस ग्राम सभा के निवासी हैं? प्रधानपुर। क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि कोटेदार जो है, पहले तो 20 का 2 महीने का राशन हमको नहीं दिया, फ्री वाली भी नहीं दिया, चना भी नहीं दिया, और 21 का कह रहा है कि अंगूठा लगाओ तब देंगे, 2 महीना का नहीं दिया। हमारा राशन कार्ड साथ में है मेरा, और वजन में कम देता है हमको, 20 किलो राशन मिलता है, उसको घर ले जाकर जोखते हैं तो 17 किलो होता है। आनंद लाल गुप्ता, प्रधानपुर। क्या समस्या आप लोगों को जो घेराव की? समस्या है कि आगे महीना का जो राशन जनता को नहीं मिली है और फिर दोबारा अंगूठा लगाया जा रहा है। हाँ, कितने महीने से राशन नहीं मिल रही है? 2 महीने का राशन जो है उधर से नहीं मिल रहा है, तो जो है अंगूठा जो है अभी जो है दोबारा लगा रहे हैं, इसीलिए घेराव किया है जनता। राशन कम भी मिलता है? राशन 4 केजी कम भी मिलता है, 3 केजी 4 केजी, 30 किलो में 3 किलो 4 किलो कम हो जाता है। इसकी शिकायत कहीं आपने उच्च अधिकारियों से? कहीं नहीं किया गया है, कहीं नहीं किया गया। श्याम का प्रजापत, प्रधानपुर। क्या समस्या आपको है जो सड़क जाम करके यहाँ पे खड़ी? 2 महीना का राशन नहीं मिला। नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? कम मिला था, 2 महीना हो गए नहीं के मिला था, तीसरा बार फिर अंगूठा लगा था। कब से कम दिया जा रहा है? क्या 25 किलो में 3 किलो कम रहा था? 25 किलो में 3 किलो कम। इसकी शिकायत आपने कोई उच्च अधिकारियों की है कभी? अधिकारियों की शिकायत आपने की है कभी? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं, यातायात बंद कर दी हम लोग, किया है सर। अभी भी प्रधानपुर गांव में गाड़ियों का सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि कोटेदार द्वारा 3 महीने से राशन नहीं दिया गया, और राशन दिया भी जाता था उसके पहले तो 3 से 4 किलो कम दिया जाता था। अभी दौरान तहसील दिवस संज्ञान में आया है कि प्रधानपुर के कोटेदार के अनियमित वितरण के कारण वहाँ पर चक्का जाम पब्लिक ने किया है। मौके पे प्रभारी निरीक्षक रसड़ा एवं आपूर्ति निरीक्षक रसड़ा को भेजा गया,
टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा वितरण गलत तरीके से किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट आने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। जहां तक वितरण अधिकारी की बात की जाए तो वितरण अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो वितरण अधिकारी कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना करते हैं। वितरण अधिकारी मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर है, वितरण अधिकारी नहीं है। आपूर्ति निरीक्षक इस समय जांच की प्रक्रिया में है, जांच कर रहे हैं, तो अधूरी जांच का निष्कर्ष नहीं दे सकते थे, लेकिन जो मेरे द्वारा संज्ञानित किया गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वितरण त्रुटिपूर्ण है और उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। कुछ लोगों से झगड़ा है। रविंदर यादव क्या है इस टाइम कोटदार है, इतनी भीड़ आपके पीछे लगी थी, सड़क जाम भी हुआ था जी, एक लड़का झगड़ा कर दिया था, मारपीट नहीं, लोगों का तो आरोप दूसरा था, लेकिन लोगों का आरोप चल, वो आरोप राशन तो रोड लड़का जो है शब्द बोल दिया था, नाराजगी नहीं होती, नाराजगी कह रहे हैं कि 4 किलो राशन, ना ना 5 किलो होगा, कभी 5 किलो देते हैं, पहले लगवाते हैं बाद में राशन देते, तब साहब एक दिन आया तो दिया वाला, नहीं नहीं अंगूठा पहले लगाने का, ना शादी पड़ी थी उस महीने, उसमें थोड़ा लेट हुआ, शादी पड़ी थी, 9 को शादी थी, उसमें 10-5 दिन चल गया, ना ना ऐसी बात नहीं, 2 महीने ना ना ऐसी कोई मानेगा 2 महीने 3 महीने कोई राशन छोड़ेगा, इतने लोग क्या झूठ बोल रहे हैं, नहीं हम भाई जब विवाद के बाद तो कुछ कब तो सोचते। अच्छा क्या आप यहाँ पर्ची दी जाती है जो लोगों को राशन देते हैं, तो क्या मशीन के द्वारा यह पर्ची दी जाती है?